आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। राष्ट्रीय कृषि बागवानी कार्यशाला का उद्घाटन करने पहुंचे राज्यपाल राम नाईक महोदय का हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ। दोपहर करीब 2 बजे दौलतपुर गांव में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा। राम शरण वर्मा के यहाँ उनकी बागवानी में उनके उन्नतशील खेती को देखने पहुंचे राज्यपाल जी। श्री वर्मा की खेती की सराहना की और राज्यपाल महोदय ने किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले मवेशियों से जल्द निजात दिलाने की बात कही। श्री राज्यपाल महोदय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही हर जिले में मवेशियों के लिए फार्म तैयार करेगी। बाराबंकी जैतपुर से सत्येंद्र कुमार वर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। गोवंश जो है वो इतना ज्यादा जो बाहर छुट्टा रहता है मोबाइल समस्या में लोग अपने वायर लगाते हैं फिर भी वो नहीं रुकते। अब उनको कहीं मार के भगा तो नहीं सकते। उनके संरक्षण को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। और मेरा सवाल इसलिए है ये कि आप यहाँ जो भी वो हुआ है आपकी दृष्टि भी रही है तो इस पर क्या कुछ देना चाहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस समस्या का गंभीर विचार करके हर जिले में प्रारंभ में एक एक इस प्रकार का स्थान निर्माण करने का तय किया है जिसमें इनको इस यदि कहा जाए कि ऐसे आवारा कहना ठीक है नहीं है छुट्टा कह सकते हैं लेकिन मैं आवारा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं महाराष्ट्र का हूँ तो मेरी हिंदी आप समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रकार से जो गाय घूमती रहती है उनको एक जगह पर लाकर सुरक्षित ढंग से रखा जाए इसके लिए योजना बन रही है। महोदय किसानों की आय की बात हो रही है हम लोग जानना चाहते हैं किसानों की आय कितनी मार के चल रही है सरकार रोड मैप क्या है कितनी मार के चल रही है अभी जो दोगुनी करने की योजना बन रही है 2023 तक। ऐसा है कि लक्ष्य क्या है ये हमेशा तय करना होता है और लक्ष्य तय करने के बाद उस रास्ते पर चलना होता है और चलने के लिए जागृति निर्माण करने का काम करना पड़ता है। वो जागृति करने का काम आज का यहाँ का जो कार्यक्रम है मैं ऐसा मानता हूँ उसका और उस भूमिका में सारे देश में जो किसान काम करते हैं वो अपना काम करते करते जो आवश्यक परिवर्तन है वो करेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की आय दुगुना हो सकती है। वैसे मैं कॉमर्स का छात्र हूँ छात्र रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि गेहूँ की चावल की उसकी बाज़ार की कीमत और फिर फलों की बाज़ार की कीमत इसमें बड़ा अंतर होता है। एक दृष्टि चाहिए कि कौन सी बात करें और उसके अनुसार यदि हम करते हैं तो यह मुश्किल नहीं है लेकिन इसके लिए परिश्रम तो करने पड़ेंगे और परिश्रम करने के दृष्टि से ही लोगों में प्रेरणा पैदा हो किसानों में प्रेरणा पैदा हो जहां अज्ञान है वह अज्ञान भी दूर हो यही इसका प्रयास। महोदय एक 1% किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है तो सारे किसानों को लाभ कैसे मिलेगा। चलिए किसानों के हाथ दुगनी कैसे हो पाएगी।